हमारा ऑनलाइन इदारा है इमाहत के नाम से, उसमें एडमिशन इस वक्त ओपन है। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह दौरा अजीज का इस साल में साल मुकम्मल होगा जो आठवां साल है, उसके अंदर मेरे कितने जानने वाले ऐसे हजरात मौजूद हैं कि मैं छोटा सा था उनको छोटे होते से देख रहा हूं। उनकी दाढ़ियां सफेद हैं, उनको मैं अंकल कहता था। उन्होंने आज से 7 साल पहले इमाहत से इल्म हासिल करना शुरू किया और अब वो मिशकात शरीफ मुकम्मल कर चुके, दौरा हदीस में आ चुके। तो ये जो ऑनलाइन हमारा इंस्टीट्यूट है इमाहत का, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो दुनिया के अंदर अपने कामों में मसरूफ हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, दिल में चाहत है कि मैं इल्म हासिल करूं लेकिन मदरसे में फुल टाइम नहीं जा सकते, ऑनलाइन अपने घर में अपने ऑफिस में बैठ के आराम से इल्म पढ़ सकते हैं। हजरत जी अक्सर फरमाते हैं हम जिस उम्र में हैं, जिस एज में हैं, जिंदगी के जिस हिस्से के अंदर हैं, हमें चाहिए कि हम इल्म हासिल करना शुरू कर दें। अगर इल्म मुकम्मल हो गया अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत के दिन उलमा की कतार में खड़ा कर देंगे, और अगर इल्म मुकम्मल ना हुआ, जिंदगी ने वफा ना की, इस दुनिया से जाना पड़ गया, कम अज कम क़यामत के दिन तुलबा की कतार में तो खड़े होंगे। तो हमें चाहिए कि हम इस वक्त एडमिशन ओपन है, इसका फायदा उठाएं। 8 साल का कोर्स मर्दों का होता है, 6 साल का बच्चियों का कोर्स होता है, इंग्लिश के अंदर कोर्स है। हजरत दामद बरकातुम आलिया ने पहले भी फरमाया था कि अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ ममालिक से टीचर्स पढ़ाते हैं, तकरीबन 70 मुल्कों से स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं जो उसमें दीन का इल्म हासिल कर रहे हैं और फायदा हो रहा है। हमारी कितनी बच्चियां ऐसी हैं जिन्होंने इल्म शुरू किया मुख्तलिफ ममालिक से और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह घर में बैठे हुए ऑनलाइन आलमा का कोर्स मुकम्मल कर लिया। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो बाहर मुल्कों में रहते हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, लेकिन माँ बाप की ख्वाहिश है कि हम अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाए, आलिम कुरान बनाए। चुनाचे हमारे इसी इदारे में उन्होंने कुरान मजीद नाजरा पढ़ा, फिर हिफ्ज शुरू किया और चंद सालों के अंदर उन्होंने अपना हिफ्ज मुकम्मल कर लिया। कितने हुफाज हैं जो घर में बैठे हुए अपना स्कूल कॉलेज भी पढ़ रहे हैं, अपनी मसरूफियत मशगूलियत मौजूद है, उसके बाद साथ उन्होंने इस इदारे को ज्वाइन किया और इसको ज्वाइन करके अपना इल्म करना शुरू किया, हिफ्ज करना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अब हाफिज भी बन चुके, आलिम भी बन चुके। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें दीन का इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, और जो लोग ऑनलाइन रजिस्टर करना चाहते हैं वो लोग ऑनलाइन हमारी वेबसाइट www.imahat.org के ऊपर जाके रजिस्टर कर सकते हैं। और बहुत आसान है, आप अपना काम भी करें, अपनी मसरूफियत वाली मशगूलियत वाली जिंदगी भी गुजारें और साथ इल्म भी हासिल करें। और फॉर एग्जांपल अगर आप लाइव क्लास ना ले सके, रिकॉर्डिंग मौजूद होती है, आप रिकॉर्डिंग सुने टीचर की और अगले दिन का अगला सबक पढ़े। हमारे इस इदारे में सैकड़ों PhD डॉक्टर्स इस वक्त पढ़ रहे हैं। कितने ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जिनने अपना मास्टर्स किया, बैचलर्स किया, अब इस वक्त दुनिया के अंदर बेहतरीन जॉब कर रहे हैं या अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह साथ साथ दीन का इल्म हासिल करने का शौक है, दीन भी पढ़ रहे हैं। तो हमें चाहिए हम कोशिश करें कि हम दीन का इल्म हासिल करें। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हाफिज कुरान भी बनाए, आलिम कुरान भी बनाए, दाई कुरान बनाए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कुरान मजीद पे अमल करने वाली जिंदगी अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत कल क़यामत के दिन हमें अपने मुकर्रबीन बंदों में शामिल फरमाए।